Hi friends, namaste, welcome or welcome back to my channel Colors of Life and welcome to another vlog. तो अभी it's 2:30 and मैं vlog start कर रही हूँ. तो आज का दिन अभी मैं weather कैसा है वो दिखाती हूँ. अभी वेदर ऐसा है, थोड़ी सी धूप आई है, बस थोड़ी सी ही धूप है, बहुत चिल्ड वेदर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो. एंड यहाँ पे ऊपर बैठा है लियो, तो उसने यहाँ पे जो कांड किया है वो दिखाती हूँ. सो ये है कुमार का स्लिपर जो इसने कट किया है. ही इज 1 ईयर ओल्ड एंड जब से ये घर पे आया है तब से ही इसके ना बाइट करने की आदत है. हमने इसके जो आदत बाइट करने की उसको छुड़ाने के लिए बहुत ट्राई किया. इसको हम वो जो कैल्शियम बोन्स होते हैं डॉग्स के लिए वो देते थे कि अगर वो बाइट करेगा तो ये सब चीज़ें बाइट नहीं करेगा, बट वो बोन्स वो बाइट नहीं करता, वो तो ऐसे ही फेंक देता है एंड सिर्फ ये चीज़ें चप्पल और ये सब इशूज़ ये सभी बाइट करता है ये. तो यहाँ पे भी इसने आज काम बिगाड़ा हुआ है. तो यहाँ पे पूरे मॉर्निंग में हम लोग सोच रहे थे कि ये बाहर खेल रहा होगा, बट यहाँ पे ये पॉट पे लगा हुआ था ये एलोवेरा, इसने सारा नीचे कर दिया है. तो मैं इसको क्लीन करूँगी पहले. तो अब मैं इनको फिर से इसी पॉट में लगा देती हूँ. मुझे नहीं पता कि ये बचेंगे जिएंगे या मरेंगे क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है. नीचे से सब कुछ उसका रूट से सब कुछ निकला हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ. एंड लियो बहुत बहुत तंग कर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है. एंड कुमार को बोलती हूँ तो वो भी बोलता है कि बच्चा है करेगा ना, बाद में वो खुद ही छोड़ेगा, लेकिन पता नहीं कब छोड़ेगा. तो मैं नीचे क्लीन नहीं कर रही क्योंकि ऊपर से बारिश होने वाली है, तो जब बारिश स्टॉप होगी तब क्लीन करूँ. तो लंच करने के बाद हमने किचन भी क्लीन नहीं किया है, तो अब मैं जाके थोड़ा सा किचन क्लीन करती हूँ. तो ये कुछ लेफ्ट ओवर खाना है जो बाहर के डॉग्स को देना है, तो उनके लिए प्लेट यहाँ पे रखते हैं हम. यहाँ पे खाना डाल दिया है, तो जब उनका टाइम होगा खाना खाने का तब वो आके खाएंगे. अभी नीचे उधर उधर नीचे वहाँ पे बैठा हुआ है. तो हमारा लंच हो गया, तो लंच के बाद में थोड़ा सा किचन क्लीन करना है. बर्तन एंड एवरीथिंग इज डन, तो किचन ही बस थोड़ा सा क्लीन करना है. सो फ्रेंड्स, किचन की क्लीनिंग हो गई है. आज थोड़ी सी बारिश हुई थी तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया. एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना जब भी थोड़ा सा भी बारिश बस 2-3 बूंदे गिरनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, आई डोंट नो व्हाई. तो लाइट नहीं है इसीलिए बहुत ही डार्क दिख रहा है. और इस रूम में जो ये रूम है इसमें ना खिड़की भी बस एक ही बहुत छोटी सी खिड़की है, मैं दिखाती हूँ. पूरे इस साइड पे कहीं पे भी खिड़की नहीं है, बस वहाँ पे एक ये है एंड यहाँ पे एक खिड़की छोटी सी है बस, तो लाइट नहीं आती है. सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 3 एंड जैसे कि मैंने बताया घर का सारा काम खत्म हो गया है, किचन भी क्लीन कर लिया, एवरीथिंग इज डन. तो मुझे कुछ चीजें अरेंज करनी है. जब मैं दार्जिलिंग से बैंगलोर आई थी तो मेरे बैग में ऐसे ही पड़ा हुआ था चीजें, तो अब मैं अच्छे से इनको अरेंज करके रखूंगी. तो ऐसे ही पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं, कुछ भी अरेंज नहीं है, ऐसी ही चीजें यहाँ पे पड़ी हुई है. तो एक 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 करके मैं अरेंज करूंगी एंड जो जो चीजें मुझे चाहिए वो एक बॉक्स में रखूंगी एंड जो चीजें काम की नहीं है उसको दूसरे में रख दूंगी, तो ऐसा करूंगी. तो सबसे पहले ये वाली जो गमीज की ये जो बॉक्स है ये मुझे इतना ज्यादा पसंद आया, ये तो मैं उधर ही खत्म कर चुकी थी, दार्जिलिंग में ही खत्म कर चुकी थी, लेकिन मैं ये बॉक्स लेके आई क्योंकि ये बॉक्स जो है ना ये मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा पसंद आया. ये प्लास्टिक का नहीं है, ये कार्डबोर्ड बॉक्स है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है एंड इसको मैं DIY भी कर सकती हूँ किसी दिन अगर मैं करना चाहूँ तो. तो इसके अंदर मैंने रखा हुआ है बैंगल्स, यहाँ पे देख सकते हो ये रेड प्लेन बैंगल्स है. तो ये बैंगल्स मैं पहन लेती हूँ फॉर सम टाइम, उसके बाद में शाम को ओपन करके रखूंगी क्योंकि मैं कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, तो ऐसे बैंगल्स पहन के काम करना इज बहुत डिफिकल्ट और मुझे आदत नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर फिर भी मैं थोड़े टाइम के लिए लगा लेती हूँ. ओके, सो ये बैंगल्स रखे थे एंड मैंने लगा दिए बैंगल्स. मेरे विलेजेस में बहुत ऐसे लेडीज है जो डेली वेयर में बैंगल्स पहनती है, दोनों हाथों में बैंगल्स एंड वो बैंगल्स के साथ घर का सारा काम करती है, बट मुझे आदत नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. तो यहाँ पे मैं अब ये जो बॉक्स है इसमें मैं अपने सारे इयररिंग्स डालूंगी
जो अब मेरे किसी काम के नहीं है। जब मुझे ये टीबीएम हुआ है उससे पहले आई वॉज वेरी, अभी मैं बहुत बहुत चेंज हो गई हूँ माई कजिन ऑल्सो से, बिकॉज उससे पहले मुझे लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े इयर रिंग्स, लंबे बाल एंड होता है ना एक गर्ली टाइप का, बहुत ही ज्यादा ज्वेलरीज इनका बहुत शौक था। और अभी मुझे कुछ भी शौक नहीं है, मैं इयर रिंग सिर्फ इसलिए पहनती हूँ ताकि एक बार जब मैं टीबीएम के बाद मैंने 6-7 महीने इयर रिंग्स नहीं पहने तो मेरा जो ईयर पियर्सिंग कराया हुआ था वो ब्लॉक हो गया था, दोबारा से पियर्सिंग कराना पड़ा। तो हफ्ते में एक दो बार मैं बस डालती हूँ चेक करने के लिए कि यहाँ पे ये जो होल है वो है या नहीं, बाकी मैं नहीं पहनती। मुझे अब बहुत ही इरिटेटिंग लगती है ये चीजें। तो यहाँ पे भी कुछ हूप्स इयररिंग्स हैं, बहुत सारे थे मेरे पास जो मैंने अपने कजिन्स को भी दे दिए। तो मैं अभी इन सबको अरेंज कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मोस्टली यहाँ पे हूप इयररिंग्स हैं, क्योंकि मैं 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पहनती थी। एंड ये जो इयररिंग मैं दिखा रही हूँ दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि ये जो है मुझे मेरी स्टूडेंट ने गिफ्ट दिया था। एंड मैं सारी चीज़ें जो है वो अभी अरेंज कर रही हूँ। ओके, तो ये बॉक्स एंड ये मेरा हो गया है अच्छे से अरेंज। नाउ मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये आप लोगों ने मुझे इसको पहनते हुए भी देखा होगा वीडियोस में या फिर किसी पिक्चर में कहीं पे। तो ये जो है जैसे शादी के टाइम पे मंगलसूत्र पहनते हैं, मंगलसूत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऐसे ही ये इसको वो हम नेपाली औरतों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बीड्स जो है इसमें आप बीच में इसको गोल्ड का मंगलसूत्र भी डलवा सकते हो या फिर इसको ऐसे ही पहन सकते हो। तो ये शादी के टाइम पे पहनाया जाता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा साथ में ही रखना होता है। एंड यहाँ पे मेरे पास में है ये ज्वेलरी जो मैंने अपनी शादी में पहनी थी, पहनी नहीं थी मैंने सिर्फ ये ली थी, बट इसके जो साथ में आया था इयर रिंग्स और झुमका और ये मांगटी का जो है ये मैंने पहनी थी अपनी शादी में, बट ये वाली नहीं पहनी थी क्योंकि मेरे जो कंफर्ट लेवल है उससे ये मैच नहीं कर रहा, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। दिखने में तो अच्छा दिख रहा है बट मुझे थोड़ा सा ये ज्यादा लगा तो मैंने नहीं पहनी है। हाँ मैंने ये वाली पहनी थी, ये वाली चोकर जो छोटी सी है, कंफर्टेबल भी है पहनने में, तो ये वाली मैंने पहनी थी। बट फ्यूचर में अगर कहीं पहनना हुआ तो मैं पहनूंगी, तो इसको भी मैं रखती हूँ अरेंज करके। तो मैंने सब चीजें अरेंज कर ली है तो इनको मैं अपनी अपनी जगह पे रख के आती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैंने जब ये चूड़ा पहन लिया है तो मैं थोड़ा सा बिंदी और मंगलसूत्र भी पहनूं, मतलब एकदम मैरिड वाली फील आए। यहाँ पे मेरी नेबर भी कहती है कि तुम मैरिड हो पर सिंदूर के अलावा कुछ नहीं लगाती, तो आज मैं लगा रहा हूँ। अरे कहाँ गया ये, हाँ तो मैंने बिंदी मंगलसूत्र चूड़ा सब पहन लिया है। हाँ और ये भी रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इट्स 3:40 एंड मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है, अरेंज करके रख दिया है, तो मेरा सारा काम खत्म हो गया है। एंड जो बैंगल्स पहना था अभी से ऐसे आवाज कर रही है तो मुझे इरिटेशन हो रही है। एंड एक बात बहुत जरूरी है जो आप सबको बतानी थी। तो मुझे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ टीवी के ऊपर, तो कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ पे भी किसी ने व्हाट्सएप, यहाँ पे यूट्यूब में भी किसी ने कमेंट किया था आर यू फ्रॉम नेपाल, जब मैं वहाँ पे अपने गाँव में नेपाली लैंग्वेज बोल रही थी कजिन्स के साथ। तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मैं नेपाल से आई हूँ, नेपाल की सिटीजन हूँ एंड यहाँ पे रह के जॉब करती हूँ इंडिया में। एंड कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा रूडली बोला है दैट वेर आर यू फ्रॉम, तो मैंने बोला वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग, तो बोलते बंगाली नहीं हो तो दार्जिलिंग में क्या कर, बंगाल में क्या कर रही हो। तो लोगों को अगर नॉलेज नहीं है तो बता दूं कि नेपाली स्पीकिंग इंडियन सिटीजन्स भी है, बहुत सारी स्टेट्स में है, सिर्फ दार्जिलिंग में नहीं है। दार्जिलिंग मैं तो है ही, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के पार्ट में तो पूरी है ही, बट सिक्किम जो स्टेट है सिक्किम में तो मोस्टली उनका जो है
सभी नेपाली ही है वहां पे। उसके बाद में असम में है नेपाली लोग, अरुणाचल में है, हिमाचल में है, मणिपुर में है, मिजोरम में है, उत्तराखंड में है, तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में नेपाली लोग है। एंड अगर आप लोगों को लगता है, सबको नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग जो ऐसे कमेंट्स करते हैं, अगर उनको लगता है कि मैं नेपाली बोलती हूँ इसलिए मैं नेपाल से आई हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को बता दूँ कि नेपाली लैंग्वेज इज वन ऑफ द लैंग्वेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, जैसे कन्नाडा, तमिल, गुजराती, ये सब है, वैसे ही नेपाली लैंग्वेज भी है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग एक बार गूगल कर लीजिए, इन 31 अगस्त 1992 नेपाली लैंग्वेज वॉज ऑफिशियली इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे वहाँ पे सिक्किम में, दार्जिलिंग में, तो ऑफिस में भी नेपाली लैंग्वेज चलती है, वहाँ पे बोलने के लिए नेपाली लैंग्वेज ही है। और नरेंद्र मोदी जी भी जब आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने भी नेपाली लैंग्वेज बोला था, इंडियन ही है। और मैं इंडियन हूँ, तो आज के बाद प्लीज आप लोग ऐसे कमेंट्स मत करिए कि तुम नेपाल से आई हो, ये हो, ये हो, ये हो। तो यही बोलना था, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब लोग बोलते हैं कि तुम दूसरी कंट्री से यहाँ पे आए हो, तुमने यहाँ पे कब्जा कर लिया। और अगर ऐसा होता तो सारे उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान से आए होते, और सारे बंगाली बोलने वाले लोग बांग्लादेश से, तो फिर यहाँ पे तो सिर्फ हिंदी बोलने वाले लोगों को ही इंडियन बोलना चाहिए ना फिर। तो यही बात बोलनी थी फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा हर्ट होता है जब कोई नेगेटिव कमेंट ऐसे नेगेटिवली बोलता है। तो अभी मैं कर्ड लेके आती हूँ, और उसके बाद में मुझे कुछ काम करना है यूट्यूब का। ओके, तो मैं लस्सी, एक्चुअली मैंने ये फोन ना ट्राइपॉड पे लगाया है, एंड इससे निकालना लगाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा है। और मैं अभी लस्सी पीते हुए कुछ यूट्यूब का काम करूंगी। तो सबसे पहले मैं कमेंट्स पढ़ूंगी। तो कमेंट्स आए हैं, वो भी फ्रॉम अ वेरी स्पेशल पर्सन, माय बेस्ट फ्रेंड। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फ्रेंड्स आपके वीडियोस देख के कमेंट करते हैं, एंड मुझे तब बहुत अच्छा लगा था जब मैं अपने टीचर के घर गई थी, जिन टीचर ने मुझे 11th 12th में पढ़ाया था, एंड उनके घर गई थी इस बार। तो उनको मैंने अपने वीडियोस दिखाए, मुझे पता नहीं था कि उनका कैसा रिएक्शन होगा। तो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू डील विद डिप्रेशन करके, वो वीडियो मैंने उनको दिखाया, उनके हस्बैंड को भी उन्होंने दिखाया, एंड बोथ ऑफ देम उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा जब ऐसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो जो थोड़े बहुत नेगेटिव कमेंट्स है उनको तो भूल ही जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, और जिन कमेंट्स का मुझे रिप्लाई पता होता है, मतलब जो लोग यहाँ पे कुछ पूछते हैं अगर उनका आंसर होता है मेरे पास, तो मैं डेफिनेटली इसका रिप्लाई करती हूँ। मतलब मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आप यहाँ पे पढ़ लो, जितने भी कमेंट्स आए हैं मैंने सबका रिप्लाई किया है। और आज मैं एक व्लॉग डालने वाली हूँ, एंड उसके बाद में भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर। तो ये है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ट्यूबरकुलोसिस, जो कल परसों आएगी वीडियो। तो आप लोग प्लीज ये जो बेल बटन है इसको दबा के रखो। मैं कुछ काम करती हूँ और थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। फ्रेंड्स, इट्स 5 o'clock, एंड मैं जो यूट्यूब का काम कर रही थी वो खत्म हो गया। थोड़ी सी ठंड टाइप फील हो रही है, इसलिए मैंने ये शर्ट पहना है। तो अभी 5 बज गए हैं। नाउ आई एम डूइंग माई फेवरेट एक्टिविटी, प्लेइंग म्यूजिक। तो मैं 1.5 साल के बाद में आज पियानो को टच कर रही हूँ, एंड मेरे फिंगर्स बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहे हैं। तो थोड़ी देर में प्ले करूँगी। सो फ्रेंड्स, मुझे ये प्रॉब्लम है, अगर आप लोग मेरे फिंगर्स को देखेंगे तो ये जो रिंग फिंगर है ये बहुत ही ज़्यादा शिवर कर रहा है। ये रिंग फिंगर जो है सबसे ज़्यादा शिवर करता है। तो जब मैंने मेरे डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला कि ये वीकनेस की वजह से हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी 18 मंथ्स हो गया एंड ये शिवर अभी भी ऐसे ही शिवर करता है। तो अगर आप में से किसी को ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ एंड कुछ टाइम बाद मिलती हूँ इवनिंग में। फ्रेंड्स, नाउ इट्स 6 o'clock। तो मैं थोड़ा सा सो गई थी, नींद नहीं आई, बट रेस्ट कर रही थी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कॉफ़ी, कॉफ़ी बना के मिलती हूँ। रेडी हो गई है, तो मैं छत पे ही जा रही हूँ कॉफी पीने के लिए।
बाहर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ, एक्सक्यूज मी लियो। फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हवा चल रही है यहाँ पे, जो ये यूकेलिप्टस का ट्रीज है ये इधर उधर ऐसे हिल रहे हैं, तो बहुत ठंड ठंड भी लग रही है और लग रहा है कि बारिश होगी। तो अभी 8 बज गए हैं, हमने डिनर नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आके डिनर बनाएंगे। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं एंड हमारा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट काम नहीं है, हम सिर्फ राइड पे जा रहे हैं। रात को कभी कभी ऐसे ही राइड पे चले जाओ बातें करते हुए, बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग जाते हैं कभी कभी, कुछ काम नहीं होता बस ऐसे ही जाते हैं और थोड़ा दूर जाके आते हैं, तो हम ऐसे ही जा रहे हैं आज भी। तो वापस आते टाइम मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने बैठ गई, बहुत टाइम से मुझे मन था मेहंदी लगवाने का, और हम जब लास्ट टाइम आए थे तब भी यहाँ मेहंदी वाले भैया नहीं थे, तो आज हमें मिल भी गए और हमारे पास आज टाइम भी है, तो फिर मैं यहाँ पे अभी मेहंदी लगवा रही हूँ और मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। फ्रेंड्स इट्स 9 o'clock, हम लोग वापस आ गए एंड मैंने लगाई है मेहंदी। तो हम गए थे यही मेहंदी लगाने के लिए, कुछ दिन पहले हम मेहंदी लगाने के लिए गए थे तो वहाँ पे मेहंदी वाले भैया नहीं थे, हमने फ़ोन भी किया फिर भी उनका फ़ोन नहीं लगा, तो मैं डिस्टर्ब होके आ गई थी, मतलब मैं सोचा था कि मैं मेहंदी लगाऊंगी बट हुआ नहीं था उस टाइम। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे एक बार, मतलब हम राइड पे जाएंगे, अगर वहाँ पे भैया मिलेंगे तो लगाएंगे, नहीं तो हम ऐसे आ जाएंगे करके। बट वहाँ पे मिले एंड आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगा दी है उन्होंने, और ये आगे वाली उन्होंने 8-10 मिनट में ही लगा दी थी, इतनी तेज मतलब इतना फास्ट वो लगा रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मेहंदी की खुशबू बहुत पसंद है। तो मैंने तो अब मेहंदी लगा ली है, तो डिनर बनाने की आज ड्यूटी है हस्बैंड जी की, तो वो अभी किचन में काम पे लग गए हैं, पहले लियो का डिनर बना रहे हैं फिर हमारा बना रहे हैं। तो आज किचन ड्यूटी लगी है मेरे हस्बैंड की, तो वो पहले लियो का खाना बना रहे फिर हमारा बनाएंगे। देखो लियो से इतना प्यार करते, खाना भी पहले उसी का बना रहे। सो फ्रेंड्स व्लॉग भी बहुत लंबा हो गया है एंड अभी हम लोग कुमार इज प्रिपेयरिंग फूड, तो हम लोग खाना खा के सो जाएंगे। और आई एम लविंग दिस मेहंदी, मैंने फर्स्ट टाइम किसी मतलब प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी लगवाया है, तो मुझे बहुत 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 पसंद आ रहा है। तो अभी हम लोग खाना खा के सो जाएंगे, तो आज का व्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइस लाइक इट, अगर आप लोग ये व्लॉग पसंद आया हो तो करिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है colors of life 34। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।